और खबर मिर्जापुर से है, जहां पीएम मोदी ने चुनार तहसील क्षेत्र के हिनौता ग्राम में बनने वाले पूर्वांचल के सबसे बड़े इंडियन ऑयल टर्मिनल का वर्चुअल शिलान्यास वाराणसी से किया। ये ऑयल का टर्मिनल 95 एकड़ की भूमि पर बना है और इस टर्मिनल की लागत 1076 करोड़ रुपए आकी जा रही है। बता दी, करीब एक साल से जमीन की घेराबंदी की जा रही है और डगमगपुर के पास हिनौता गांव में टर्मिनल के लिए स्थान तय किया गया है। टर्मिनल की क्षमता करीब 40,000 लीटर होगी। ये लगभग 4 साल में बनकर तैयार होगा। जनपद मिर्जापुर को आज विकास की एक और बहुत बड़ी सौगात मिली है। यहाँ पर इंडियन ऑयल टर्मिनल की स्थापना के लिए मैं लंबे समय से प्रयासरत थी और आज अंततः माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 1076 करोड़ की लागत से बनने वाले इंडियन ऑयल टर्मिनल का शिलान्यास ग्राम हिनौती में हुआ है। 92 एकड़ पर ये टर्मिनल बनकर तैयार होगा, जिसमें 1,39,290 किलोलीटर तेल के भंडारण की व्यवस्था होगी और आसपास के 15 जिलों को तेल की आपूर्ति इस टर्मिनल के माध्यम से की जाएगी। इस टर्मिनल में ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी, जहां पे खास तौर से सेफ्टी फीचर्स का बहुत ध्यान रखा गया है और भारत की एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा टर्मिनल है जो यहाँ स्थापित होने जा रहा है। हाँ हाँ, बहुत सारे रोजगार यहाँ पे मिले। अरे यहाँ पे मतलब 176 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे जो यहाँ लागत से बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रोजगार मिलेगा।